हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल गार्डन ज्ञान। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे गुलाब के कुछ शानदार वेराइटीज़। ये देखिए आपके सामने है सेंटीमेंटल, ये बाई कलर में आता है दोस्तों, वाइट और रेड, और फ्लोरीगुंडा वेराइटी होता है। फ्लावर तो ज़्यादा लास्टिंग नहीं करता है, लेकिन जब भी खिलता है बहुत बढ़िया दिखता है। और नीचे है आपका समर स्नो का पिंक वेराइटी, लाइट पिंक में आता है दोस्तों ये, और कभी कभी वाइट हो जाता है फेड होके। और ये देखिए रेड में मेरा खिला है इनग्रिड बर्मन, ये काफ़ी हाइट में खिला है 4 फीट के ऊपर, और इसका फ्लावर भी लॉन्ग लास्टिंग वाला होता है दोस्तों, तो बहुत अच्छा लगता है ये वेराइटी। और ये है पैराडाइज, देखिए अभी इसका कलर पता नहीं चल रहा है, लेकिन इवनिंग में इसका कलर ओरिजिनल कलर आएगा। अभी धूप में पता नहीं चल रहा है, बढ़िया कलर होता है दोस्तों इसका भी। और ये कश्मीरी गुलाब है, देखिए एक साथ आता है गुच्छों में, 7-8 खिला है दोस्तों, कभी कभी तो ये 50-60 खिल जाता है। ये देखिए जब भी आता है बंच में आता है फूल, और फ्लावर लास्टिंग भी मीडियम करता है दोस्तों, उतना नहीं कि कम करता है। और ये देखिए मेरा सोवेन स्टोई, ये पहले दिन दोस्तों येलो में है, फिर कलर चेंज करते हुए लाल हो जाएगा, देखिए कुछ कुछ लाल होने लगा है। ये मीडियम साइज का रहता है दोस्तों और रेगुलर ब्लूम करता है, तो गमला कभी खाली नहीं जाता है। ये बढ़िया वैरायटी है सोवेन स्टोई। और कश्मीरी गुलाब अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर लाइए दोस्तों, क्योंकि मेरे पास एक था और मैं एक और लाया हूँ, क्योंकि ये मार्च से अभी आपका समर तक फ्लावरिंग करेगा, और देसी से तो बहुत बेटर है दोस्तों ये कश्मीरी गुलाब। और इस जितना प्रूनिंग करेंगे नया नया सूट उतना आता है इसमें। और ये है मेरा साइन प्रिंसेस, छोटा समर स्नो बोल सकते हैं इसको, पोलियंथा वेराइटी है, बहुत छोटा छोटा फूल देता है और फ्लावर लास्टिंग भी करता है दोस्तों बहुत दिन तक, वाइट में है ये। और ये देखिए ये है फायर क्लास, ये बाई कलर में होता है आपका रेड और येलो, लेकिन फूल बहुत छोटा छोटा आता है, मिनी फ्लोरा होता है। और ये बंच में आता है दोस्तों, अभी तो एक खिला है। और ये ट्रॉपिकल सनसेट है, फेड हो गया है, ये भी बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन बहुत कम फ्लावरिंग करता है ये, मीडियम साइज का बहुत बढ़िया रहता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आपके सामने है मिडनाइट ब्लू, बहुत छोटा फूल आया है, लेकिन कलर इसका बहुत अच्छा लगता है, पर्पल कलर में आता है, और ठंड में दोस्तों इसका और डीप कलर आता है, अभी थोड़ा लाइट कलर आया है। और प्लांट बहुत छोटा है, लेकिन फूल आ गया है उसमें, तो बड़ा होने पर और बड़ा फूल देगा ये। और ये साइन प्रिंसेस तो आप देखे होंगे दोस्तों, कली भर गया है पूरा गमला में। और नेक्स्ट डे का है देखिए ये मिडनाइट ब्लू, तो खिल गया, और ये लास्टिंग भी ज़्यादा नहीं करता है दोस्तों, लेकिन जब भी खिलता है इसका कलर के लिए बहुत अट्रैक्टिव लगता है। देखिए पास से दिखाता हूँ आपको, और बीच में वाइट वाइट रहता है स्ट्राइप जैसा, और ये सेंटर्ड भी होता है। और ये देखिए दोस्तों आपके सामने है मेरा देसी गुलाब, ये तो रफ एंड टॉप होता है, इजी टू मेंटेन प्लांट है, और हर कोई इसे लगा सकता है, डिजीज भी ज़्यादा नहीं पकड़ता इसको, लेकिन फ्लावर बहुत कम लास्टिंग करता है। और देखिए गर्मी अभी से तेज़ होने लगा है, पेटल जल गया है दोस्तों, पानी अगर आप एक दिन भी नहीं देते हैं तो फूल सूख जा रहा है। और ये समर स्नो का वाइट है, देखिए कम खिला है अभी, आगे बहुत सारा खिलेगा, स्प्रिंग बेस्ट होता है। और ये इसका पिंक है, लाइट पिंक। समर स्नो एक बूसी रोज होता है दोस्तों, और गुच्छों में फ्लावरिंग करता है, पेटल काउंट कम होता है, लेकिन गुच्छों में आने के कारण बहुत अच्छा दिखता है, और इस पर भी डिजीज बहुत कम लगता है दोस्तों। और मार्च अप्रैल इसका बेस्ट टाइम होता है। और ये इनग्रिड बर्मन तो आप देख चुके हैं, लेकिन और एक खिला था तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, नया जब भी खिलता है ये बहुत फ्रेश दिखता है, और पेटल देखिए इसका बहुत सारा होता है दोस्तों, और बहुत स्लो ओपनिंग वाला होता है, और वो दूर जो है उसको आप देख चुके हैं, पहले मैं दिखाया था इसको वीडियो स्टार्ट में। तो गुलाब दोस्तों अभी फरवरी मार्च में स्प्रिंग में बहुत खिलेंगे। ये देखिए ये है कलकत्ता 300, ये कली में है अभी, कल परसों खिल जाएगा, बहुत बड़ा साइज का फूल देता है और बहुत सेंटर्ड होता है दोस्तों।
इसका सेंट बहुत अच्छा रहता है। आप नहीं लगाए हैं तो इसे लगाइए, 5-6 इंच का ये आपको फूल दे देता है। तो ये था दोस्तों, इस हफ्ते मेरे गार्डन में कौन कौन से गुलाब खिले थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा कमेंट और लाइक आया तो मैं दोस्तों इसका और वीडियो बनाऊंगा गुलाब के ऊपर, और कमेंट और रेस्पॉन्स नहीं आए तो दोस्तों मैं गुलाब पे कम बनाऊंगा और दूसरे वीडियो ज़्यादा बनाऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फिर जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।